खबर रीवा से है, जहां सुहागी आरटीओ चेक पोस्ट पर पिकअप वाहन मालिक व चालक के साथ कर्मचारी ने मारपीट की है। शिकायत पर विधायक के साथ सैकड़ों की संख्या में पहुंचे पदाधिकारियों ने कार्रवाई की मांग की। दरअसल रीवा जिले के त्योथर तहसील के सुहागी आरटीओ चेक पोस्ट में पदस्थ कर्मचारी पर गुंडागर्दी करने का आरोप लगा है। बताया जाता है कि आए दिन वाहन मालिकों एवं चालकों से अवैध वसूली के साथ ही विरोध करने पर मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। एक बार पुनः चेक पोस्ट में पदस्थ कर्मचारी पर गुंडागर्दी का आरोप लगा है, जहां पर रीवा से चाक घाट की ओर लौट रहे बघेड़ी निवासी प्रकाश चंद गुप्ता एवं चालक के साथ देर रात्रि 11:30 बजे मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया, जिन्हें आंतरिक एवं बाहरी काफी चोटें आई हैं। बताया जाता है कि प्रकाश चंद गुप्ता, जो नगर परिषद चाक घाट भाजपा पार्षद मानिक चंद के भाई हैं, उनके साथ घटना घटी तो देखते ही देखते सैकड़ों की संख्या में भाजपा के नेता एवं कार्यकर्ताओं और क्षेत्रीय वाहन मालिक व्यापारियों की भीड़ उमड़ पड़ी। फिलहाल पीड़ित की शिकायत पर पुलिस आधा दर्जन से अधिक लोगों के ऊपर रास्ता रोक कर मारपीट करने का मामला दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है। प्रकाश चंद गुप्ता कहाँ के रहने वाले हैं? बघेड़ी चाक घाट। आरटीओ बैरियर में क्या घटना आपके साथ घटी है? कल 11 बजे मैं माल लाद के आ रहा था तो यहाँ रोका गया। रोकने पर 3000 की रसीद, 2500 की रसीद काटी गई, 500 रुपये घूस लिया गया और 100 रुपये चक्कर आने जाने का मांग रहे थे। इसी के विवाद लेकर और कर्मचारी लोग मारपीट उतारू हुए और घसीट कर पिकअप से घसीट कर मुझको अंदर से अंदर ला करके पेड़ के नीचे मारे। ये सुहागी पहाड़ में जो बैरियर है, एकदम जंगल राज्य यहाँ हो गया है। आम जनमानस को, वाहन चालकों को राहत दिलाने के लिए व्यवस्था बनाई जाए और ये लूट मचाए हुए हैं। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बन गया है हमारा आरटीओ बैरियर, तो इसकी गौरव गरिमा भी नष्ट हो रही है। उसको स्थापित करें और जो कर्मचारी आज इस डीओपी साहब बैठे हैं, नायब साहब बैठे हैं कि आएँ, हम उनसे बात करें, चीत करें। अब तक 3 घंटे से कोई कर्मचारी अधिकारी नहीं आया। आग्रह मेरा सादर प्रशासन से ये है कि इन लोगों को सस्पेंड किया जाए और प्रकाश चंद गुप्ता के साथ, उसके साथियों के साथ जो मारपीट की गई है, उनके विरुद्ध रिपोर्ट लिखी जाकर वैधानिक कार्यवाही की जाए। और सुहागी बैरियर बहुत पुराना बैरियर है, इसकी मर्यादा को कायम रखने के लिए प्रशासन चुस्त दुरुस्त व्यवस्था देने का कष्ट करे, यही मेरा आग्रह है शासन से, प्रशासन से। आज दोपहर लगभग 1 बजे के करीब ऐसी जानकारी मिली कि माननीय विधायक जी आरटीओ बैरियर में हैं और आरटीओ बैरियर की कोई समस्या है। इस पर से मैं यहाँ पर आया तो विधायक जी बैठे हुए थे और यहाँ आने के बाद मुझे जानकारी हुई कि प्रकाश चंद जी हैं अपने बघेड़ी चाक घाट के, ये कल रात में यहाँ से निकल रहे थे अपना पिकअप गाड़ी पर, तो आरटीओ बैरियर में कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट की, अभद्रता की, उनसे पैसे लिए गए हैं, इस बात की जानकारी मिली है। उसी समय तहसीलदार साहब भी यहाँ पहुँच गए हैं, तो मौके पर जब देखा, जानकारी उठाया, तो यहाँ पर आरटीओ बैरियर में कर्मचारियों की तैनाती तो है, लेकिन कोई भी कर्मचारी यहाँ पर जो तैनाती का है वो हमको नहीं मिला। उसका पंचनामा भी हमने तैयार किया है तहसीलदार साहब ने, और प्रकाश चंद जी के साथ जो मारपीट की गई है उस संबंध में हम उनका अभी मेडिकल कराएंगे और जो वैधानिक कार्रवाई है पुलिस की तरफ से वो कार्रवाई करेंगे। जैसा कि सर यहाँ आए दिन घटनाएं लोगों के साथ हो रही है, क्या इससे पहले भी आप लोगों को इस बारे में जानकारी या अवगत किसी ने कराया? नहीं, हमारे पास कोई जानकारी देने नहीं आया था इस संबंध में कि यहाँ प्राइवेट लोग भी काम करते हैं, और अब हमारी संज्ञान में ये बात आई है तो ये वरिष्ठ अधिकारियों को भी हम इसकी रिपोर्ट भेजेंगे और अपनी तरफ से भी यहाँ व्यवस्था बनाएंगे। कितने लोग थे जो कल जो घटना हुई मारपीट की, इसमें कितने लोग? उसमें जो चर्चा में बताया है कि 8-10 लोग थे मारपीट करने वाले, तो उनका पता लगा करके उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे।